Hey there, you're listening to the Quint. जब भी चुनाव होता है तो ईवीएम हमेशा सवालों के घेरे में आ जाती है। कभी विपक्षी दल इसके साथ टैम्परिंग होने की बात करते हैं तो कभी इसके होने पर ही सवाल खड़ा हो जाता है। लोकसभा चुनाव हुए 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन अब एक ऐसा नया खुलासा हुआ है जिससे हम दोबारा वही सवाल दोहरा रहे हैं कि क्या ईवीएम पर डाला गया हमारा वोट उसी को जाता है जिसके नाम का बटन हम दबाते हैं। एक लाइन में अगर सवाल करना हो तो वो ये है कि क्या हमारा वोट सुरक्षित है, क्या हमारे वोट के साथ छेड़खानी हो सकती है। द क्विंट ने इसी पर इन्वेस्टिगेशन की है और उसी पर बात करेंगे आज की बिग स्टोरी में। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी पॉडकास्ट। मैं हूं फबीहा सैयद। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे द क्विंट की पूनम अग्रवाल को, जो ईवीएम पर अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रही हैं। जब मैंने आरटीआई फाइल किया और उनसे ये वीवीपैट स्लिप्स के इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाली, तब मुझे ये बताया गया आरटीआई के जवाब के जरिए कि ये तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर पर सितंबर 2019 में डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आपने सही सुना, चुनाव आयोग ने 2019 लोकसभा चुनाव में इस्तेमाल हुई वीवीपैट की सभी पर्चियों को 4 महीने में ही नष्ट कर दिया। यहाँ आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने ही एक नियम बनाया है जिसके तहत वीवीपैट की इन पर्चियों को कम से कम 1 साल तक तो सुरक्षित रखा जाना ही चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, इसका जवाब भी पूनम आगे इस पॉडकास्ट में देंगी, लेकिन इसका कानूनी पहलू जानने के लिए, लीगल पहलू जानने के लिए हमने बात की ADR यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मेंबर जगदीप चोखर्जी से। इस मामले में रिट ऑफ मैंडमस फाइल हो सकती है, जिसका मतलब यह है कि अदालत किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को, पब्लिक बॉडी को, सरकार को ये कह सकती है कि जो काम आपको करना चाहिए था वो आपने नहीं किया, आप उसको करिए। लोकसभा चुनाव के 4 महीने के अंदर वीवीपैट की पर्चियां नष्ट कर दी गईं। ये बात क्विंट को चुनाव आयोग की सूचना अधिकारी ने एक आरटीआई के जवाब में बताई है। आरटीआई के जवाब के साथ ही चुनाव आयोग का 24 सितंबर 2019 का एक लेटर भी मिला, जिसमें सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के चीफ इलेक्शन ऑफिसर को वीवीपैट की छपी हुई पर्चियों को नष्ट करने का आदेश दिया गया था। इस वक्त मेरे साथ द क्विंट की एडिटर इन्वेस्टिगेशन पूनम अग्रवाल हैं। इन्होंने ही आरटीआई फाइल की थी जिससे वीवीपैट को लेकर यह खुलासा हुआ है। पूनम, जब सरकारी दफ्तरों में सालों पुरानी फाइल्स धूल खाती दिखती हैं और तब भी उन्हें नष्ट नहीं किया जाता, तो फिर वीवीपैट की पर्चियां, जो किसी भी वोटिंग का एक अहम एविडेंस होती हैं, उन्हें इतनी अर्जेंसी के साथ क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया गया? हमें अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताइए। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप बिग स्टोरी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई, जियो सावन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी।